Hello students, welcome to our YouTube channel Suditi EduTalk. Myself Shubham Yadav and I am from Suditi Global Academy, Ottawa. Today we will discuss about the topic real numbers. That is the topic is first chapter of your NCERT 10th book. Okay, so what is the real number? Students, what is the real number? We all know that what is the real numbers. Aapne ye sare numbers 9th class mein padhe bhi hai. So what is the real numbers? हम लोग देखते हैं यहाँ पे real numbers क्या होते हैं. Real numbers consist all the rational or irrational numbers. Real number consist all the rational or irrational numbers. Rational numbers and irrational numbers. Rational number and irrational numbers. So what is the rational numbers? What is the rational number? Rational numbers, which number represent in the form of P upon Q? I am repeat again, which number represent in the form of P upon Q? P upon Q, where P is not equals to zero. Yani hum un sabhi rational number, un sare numbers ko hum log rational number kehte hain jinko hum P upon Q ki form mein likh sakte hain, aur jahan pe jo Q hai, jo aapka denominator hai, wo kabhi zero नहीं हो सकता. ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द रेशनल नंबर? रेशनल नंबर व्हिच नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. जहां पे डेनोमिनेटर जो क्यू है वो आपका जीरो नहीं हो सकता. हम ऐसे सारे नंबर्स को रेशनल नंबर्स बोलते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और जहां पे जो डेनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होता है. ओके, और इसमें तो हम लोग इसमें और भी नंबर्स कंसीडर कर सकते हैं. जैसे आपने कैटेगरी पढ़ी होगी नंबर्स की नंबर सिस्टम चैप्टर में, कि ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, ऑल द नंबर्स आर रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड दिस टाइप ऑफ नंबर इज terminating numbers. All the rational numbers is a terminating number. Terminating numbers is what? Terminating number is what? Suppose आपको कोई number दिया जाता है in the fraction form 20 upon 2. That can be 10. In case 20 upon some other example, we take some other example, 22 upon 5, that can be 5 4s are 20, remainder kitna bacha 2, 0.20 hua aur 5 4s are 20. To koi bhi ek aisa number jo aapka ek complete solution hame deta hai, ek aisi fraction jo p upon q ke form mein hoti hai aur humko ek complete solution deti hai. Complete solution matlab ye hai ki ek jagah pe jakar hamara jo division hai wo डिवाइड होना बंद हो जाता है, हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है. इस टाइप के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स. ठीक है, एंड टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सपोज 20 अपॉन 3, वन मोर एग्जांपल इज हियर, 20 अपॉन 3, दैट इज 3 6 18, रिमाइंडर कितना हुआ 2, पॉइंट 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर से रिमाइंडर कितना बचा 2, फिर से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3 6 18 एंड सो ऑन. तो इस टाइप से ये जो सीरीज है आपकी 6.66, ये कंटिन्यू आपकी सीरीज चलती रहेगी. ठीक है, ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक जाएगी. तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 6.6 टू द पावर बार. यानी जो भी नंबर आपका रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार. ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमेशा सिंगल नंबर ही रिपीट करे. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एग्जांपल आपको इस तरीके से मिलेगा, 2.34343434. तो इसमें क्या होता है कि आपके दो नंबर रिपीट हो रहे हैं. तो हमेशा ये देखा जाता है कि वो सारे ही नंबर आपके टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं जिसमें किसी एक नंबर का रिपीटेशन हो या किसी नंबर ऑफ ग्रुप, यानी टू नंबर्स का, थ्री नंबर्स का जो ग्रुप है वो बार बार रिपीट होता है, तो वो भी नंबर आपके क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं. ठीक है, और इरेशनल नंबर में क्या होता है, व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर द नंबर
कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. वो सारे के सारे नंबर जो हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं. दैट इज पाई, रूट टू, रूट थ्री, इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं, दिस नंबर इज नॉट कैन बी रिप्रेजेंट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा. तो ये तो नंबर्स हुए आपके आपके रियल नंबर्स. एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, दैट टाइप ऑफ नंबर इज रेशनल नंबर्स. एंड विच नंबर इज नॉट रिप्रेजेंट is in the form of p upon q, that kind of number is irrational numbers. Okay, so now the begin the first chapter. Is first chapter mein aap log kuch definitions padhoge, kuch terms padhoge. The first one is algorithm, second word is lemma, and third is Euclid division lemma. The first one is algorithm, second one is lemma, third one is Euclid division algorithm. So what is the algorithm? Okay, so students, what is algorithm? Algorithm का word, algorithm word आपने सुना तो होगा, कई बार teachers के मुंह से भी सुना होगा, आपने भी पढ़ा होगा. तो what is algorithm? Algorithm वो चीज होती है किसी भी question को solve करने के लिए अगर हम जो steps को use करते हैं, वो steps को ही हम algorithm कहते हैं. Steps which can be used to the solve question, that can be algorithm. यानी जिन steps को हम लोग use करते हैं question को solve करने में, वो सारे के सारे आपके steps को हम लोग क्या बोलते हैं? Algorithm. सेकेंड चीज आपकी लेमा. लेमा क्या होता है? लेमा आपका होता है एक प्रूविन स्टेटमेंट होता है, एक प्रूविन रिजल्ट होता है जिसके थ्रू हम किसी दूसरे रिजल्ट को यूज करते हैं. मतलब एक प्रूविन स्टेटमेंट आपके पास दिया हुआ होता है, उस प्रूविन स्टेटमेंट के थ्रू हम किसी दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज करिए आपके पास एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये आपका एक प्रूवन स्टेटमेंट है कि a plus b का जो होल स्क्वायर होता है वो a square plus b square plus 2ab ही होता है हर जगह. ये यूनिक सॉल्यूशन है, इसका कोई अदर सॉल्यूशन नहीं होता, ये हमेशा यही रहता है अगर a plus b का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो. तो इन केस अगर हम a और b की कोई भी वैल्यू कंसिस्ट करते हैं, मान लीजिए सॉरी a equals to अगर हम 2 लेते हैं, b equals to अगर हम 3 लेते हैं, और a और b की वैल्यू अगर हम प्लेस करते हैं यहां पे, तो LHS और RHS दोनों आपकी कैसी आएंगी? इक्वल आएंगी. ठीक है, तो ये आपका एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो हमें ये बताता है कि a और b की कोई भी वैल्यू अगर हम कोई भी इंटीजर्स कंसीडर करते हैं, a और b की हम कोई भी किसी भी तरीके की वैल्यू कंसीडर करते हो या अगर हम पुट करते हैं, तो इन ये LHS और RHS क्या आ जाएंगे? इक्वल आएंगे. तो ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो a और b की किसी भी वैल्यू के लिए इन दोनों को आपस में क्या करेगा? इक्वल प्रूफ करेगा. ठीक है, ठीक उसी तरीके से लेमा भी क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, वो प्रूवन स्टेटमेंट किसी भी वैल्यू को प्रूफ करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, दैट कैन बी लेमा. नेक्स्ट वन देखो, Euclid डिवीजन एल्गोरिथम. Euclid जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, और ये थ्योरी आपने नाइन्थ में भी पढ़ी, नाइन्थ में भी एक चैप्टर है आपका Euclid ज्योमेट्री का. तो वो एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने यहाँ पे एक आपको अपनी एक इक्वेशन दी है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, लेमा जो प्रूवन स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वही चीज है यहाँ पे. Euclid ये तो मैंने बता दिया मैथमेटिशियन का नाम है आपका, और डिवीजन, डिवीजन का मतलब आप लोग सब लोग समझते, डिवीजन का मतलब होता क्या है? डिवाइड करना. एंड लेमा, तो लेमा हमसे ये कह रहा है, लेमा हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि Euclid ने एक डिवीजन के लिए एक प्रूवन स्टेटमेंट दिया था जो और अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है. दैट इज ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. ये स्टेटमेंट Euclid ने दिया था जिसका नाम है Euclid डिवीजन लेमा. एक तरीके से इसको हम लोग Euclid डिवीजन लेमा की इक्वेशन भी बोलते हैं. ठीक है,
यहाँ पे R जो है, R यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करता है, पहले मैं आपको टर्म्स बता देता हूँ ये टर्म्स होते क्या है। इसमें टर्म्स यूज किए गए हैं ए बी, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी कोई भी एक एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स आप जानते हो, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 एंड सो ऑन। ओके, तो ए यहाँ पे है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। बी इज व्हाट, बी इज डिवाइजर, डिवाइजर। क्यू इज व्हाट, क्यूसेंट। एंड आर इज व्हाट, आर इज रिमाइंडर, आर इज रिमाइंडर। ओके, तो ये इन शब्द के मायने हैं, इन शब्द के मतलब है। ए जो है वो डिविडेंड होता है। अब मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज समझा, डिविडेंड होता क्या है, एक नंबर जिसमें हम लोग डिवाइड देते हैं, जिस नंबर में हम लोग डिवाइड देते हैं वो हमारा होता है डिविडेंड, जिस नंबर में हम, जिस नंबर से हम लोग डिवाइड देते हैं वो होता है आपका डिवाइजर, और जिस जो हमारा रिजल्ट आता है वो होता है क्यूसेंट, रिमाइंडर। इसकी दो कंडीशन होती है, इनकेस अगर कोई नंबर आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, अगर हम किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं और वो नंबर अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो कोई रिमाइंडर आपका नहीं बचेगा, इनकेस अगर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो आपका रिमाइंडर बचेगा। देखिए कैसे, अगर मैं 20 को 5 से डिवाइड करता हूं, दैट कैन बी 4, दिस टोटल डिविजिबल, आंसर क्या आ गया आपका, 4 आ गया, टोटल डिवाइड हो गया, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है। और इनकेस 21 अपॉन 4 करते हैं तो 24, 5 4 जा 4, 5 जा, ये आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, लेकिन ऊपर कितना लिखा हुआ है 1, तो रिमाइंडर आपका ऊपर लिख जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो इसको अगर, इस नंबर को अगर हमें इस फॉर्म में लिखना है जो आपका क्या दिया, a plus 2 bq plus r, जहां पे r जो है ये आपका 0 के इक्वल हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, 0 से इक्वल हो सकता है और बड़ा हो सकता है, r कभी भी माइनस में नहीं होता, रिमाइंडर आपने आज तक कभी भी माइनस में नहीं निकाला होगा। ओके, एंड b जो डिवाइजर होता है उससे छोटा होता है। रिमाइंडर की कंडीशन क्या हुई, रिमाइंडर इज लेस देन, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन b। ओके, तो इन केस अगर उस एग्जांपल को हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो a इज व्हाट, इज डिविडेंड, डिविडेंड मतलब मैंने बताया वो नंबर जिसमें हम डिवाइड देते हैं, तो किस नंबर को डिवाइड कर रहे थे, 21 को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 21 इज इक्वल्स टू, v इज व्हाट, b इज डिवाइजर, डिवाइजर दैट मींस 4, क्यूशेंट कितने टाइम्स को डिवाइड दिया था हम लोगों ने, 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 5 और रिमाइंडर कितना आया था आपका 1। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं तो 21 इक्वल्स टू 4, 5 जा 20 प्लस 1, इट इज 21 इक्वल्स टू 21। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ इक्विडिविजल लेमा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन बी। ओके, तो ये आपकी इक्विड डिविजन लेमा की इक्वेशन हुई जिसको हम लोग यूज करेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में। तो अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करें। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, यूज इक्विड डिविजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एससीएफ ऑफ 135 एंड 225। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन में करना है कि आपको इक्विड डिविजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए आपको SCF निकालना है 135 और 225 का। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया था इक्विलिट डिवीजन लेमा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, और एल्गोरिथम का मींस मैंने आपको क्या बताया, स्टेप्स, कि किसी भी क्वेश्चन को यूज करने के लिए, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमें जो स्टेप्स यूज करने पड़ते हैं वो स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। तो दैट मींस इस क्वेश्चन में हमें क्या दिखाना है, स्टेप्स दिखाने हैं कि किसी भी नंबर, दो नंबर्स का अगर हम एससीएफ निकालते हैं तो उनको एससीएफ निकालने के जो स्टेप्स यूज होते हैं वो स्टेप्स हमें दिखाने हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम वर्ड यूज होगा या इक्विलिट डिवीजन लेमा यूज होगा। अगर वो इक्विलिट डिवीजन लेमा लिखा हुआ है, दैट कैन बी यूज द इक्वेशन ऑफ इक्विलिट डिवीजन लेमा, दैट इज ए प्लस टू बी क्यू प्लस आर। ओके, और इनकेस अगर एल्गोरिथम वर्ड यूज किया गया है तो आपको उसके स्टेप्स दिखाने, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो भी आपको एक तरीके से इक्विलिट डिवीजन लेमा की इक्वेशन में ही दिखाने हैं, लेकिन स्टेप्स दिखाने कैसे होंगे वो देखिएगा।
तो अगर हमें यहाँ पे इग्लू डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इसमें डिवीजन वर्ड भी यूज हुआ है, और डिवीजन हमें ये दिखाएगा कि डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्यूसेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा? वो लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें देखो दो नंबर्स दिए गए हैं, 225 इज ग्रेटर देन 135। तो जो नंबर आपका बड़ा नंबर होता है उससे उसको हम लोग छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो कैसे डिवाइड करेंगे? 225 डिवाइडेड बाई 135 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये 135 225 वन टाइम्स आएगा, तो 135 ना सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका 0 and 9। अब देखो क्या करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में, जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो एक बार डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर से हम लोग जो पहला डिवाइजर होता है उसको डिवाइड करते हैं। यानी पहला डिवाइजर क्या था 135, तो रिमाइंडर 90 आया, तो अब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे 135, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये भी वन टाइम जाएगा, तो वन टाइम अगर हम करते हैं तो 90, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं ये तो 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। दोबारा फिर से आपका क्या बचा है रिमाइंडर 45। अब उस 45 के लिए डिविडेंड क्या हो जाएगा 90, तो 90 इसको हम लोग 2 टाइम्स कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 45 2 90, ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया। देखिए जब तक दो नंबर्स के पूरे पूरे फैक्टर निकल के नहीं आएंगे, जब तक उनका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तब तक उसका एचसीएफ और एलसीएम नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जब 135 का डिवाइड किया 225 में, तो 135 यानी रिमाइंडर कितना बचा 90, तो रिमाइंडर बचा ना, डेट मीन्स ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग करेंगे कि जो पहला वाला डिवाइजर था उसमें उस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट जब हम लोगों ने डिवाइड किया तभी रिमाइंडर आपका क्या आया 45, ठीक है। तो अभी भी ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, अगर डिवाइड नहीं हुआ है तो इसका एचसीएफ फिलहाल नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 45 से 90 में डिवाइड करें। अब देखिए ये 2 टाइम्स गया और यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, जहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। और किस नंबर से डिवाइड किया था हम लोगों ने 45 से, तो जिस नंबर से डिवाइड करने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब इसी स्टेप्स को यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड का जो स्टेप था उस स्टेप को हमें यूज करना है किसमें, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम में, ठीक है। तो इक्विलेट डिवीजन लेमा की इक्वेशन क्या थी आपकी, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन बी। ये कंडीशन भी आपको साथ साथ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत रोल है, ठीक है, ये भी बहुत यूज में आएगा। तो अब इसको हम लोग यूज करते हैं, तो मैंने आपको अभी समझाया था इक्विलेट डिवीजन इक्वेशन में a इज व्हाट दैट इज डिविडेंड, b डिवाइजर, q क्यूसेंट एंड r इज रिमाइंडर, ओके। तो इन द फर्स्ट कंडीशन व्हाट इज द डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू 225, तो 225 इज इट इज डिविडेंड। नाउ दिस कंडीशन द डिवाइजर इज 135 एंड द क्यूसेंट इज व्हाट 1 और प्लस रिमाइंडर इज व्हाट 90, दैट इज फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप, इन द सेकंड स्टेप द डिविडेंड इज व्हाट 135, तो नाउ पुट द प्लेस पुट द वैल्यू ऑफ डिविडेंड, व्हेन डिविडेंड इज 135 व्हाट इज द डिवाइजर, डिवाइजर इज इक्वल्स टू 90, पुट इन द प्लेस ऑफ बी इनटू व्हाट इज क्यूसेंट, क्यूसेंट इज 1 प्लस व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 45। नाउ द थर्ड स्टेप, डिविडेंड इज व्हाट 90, डिवाइजर इज व्हाट 45, क्यूसेंट इज व्हाट 2 एंड द रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जिस नंबर से पूरा डिवाइड चला जाएगा वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स that can be 135 and 225. The HCF of 135 and 225 is 45. That is your answer. Okay, students, this is your second question of exercise 1.1. So that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, where q
इज सम इंटीजर्स, ठीक है। मतलब हमें ये बस शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो हमेशा किसकी फॉर्म में होता है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, या इसके आगे भी हो सकता है 6q+7, 6q+9, वेयर q, और q यहाँ पे सम इंटीजर्स, q कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझा दूं कि हम लोग सॉल्व करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होती है वो समझने में मे बी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए, लेकिन एक्चुअल में क्या करना है वो देख लीजिए। हमसे ये बोला गया कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इसी फॉर्म में हो सकते हैं, इसके अलावा किसी दूसरी फॉर्म में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे क्यू जो है वो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाला फंक्शन लेते हैं 6q+1, तो इसकी हम सिर्फ एक एग्जाम्पल से ही समझ लेंगे, आगे वाले आप खुद ही समझ जाओगे। यहाँ पे अगर हम q कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिया है तो q इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कुछ भी लेते हैं, तो 6 × 1+1, 6 × 1 = 6 + 1 क्या आ जाएगा, 7, दैट इज ऑड नंबर। 6 × 2+1 इज इक्वल्स टू आपका 6 × 2 = 4, 6 × 2 = 12 + 1 यानी कितना हो जाएगा 13, 6 × 3+1, 6 × 3 = 18 + 1 कितना हो जाएगा 19, यानी आप क्यों की जगह पे कोई भी इंटीजर ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी इंटीजर कंसीडर कर लो, लेकिन जो रिजल्ट आएगा 1 ऐड करने के बाद ऑलवेज क्या आएगा, आपका ऑड ही आएगा। सेम उसी तरीके से अगर हम 1 की जगह पे 3 ऐड करते हैं या 5 ऐड करते हैं तब भी आपका रिजल्ट जो आएगा वो ऑड ही आएगा, क्योंकि ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी इवन नंबर में हम कोई ऑड नंबर ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा जो आता है वो ऑड ही आता है। मैं इसको आपको लिख के बता रहा हूं कि इन केस एक कोई इवन नंबर है प्लस एक ऑड नंबर है तो रिजल्ट जो आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, ऑड ही आएगा, ओके। इन केस अगर कोई एक इवन नंबर है प्लस कोई, मैं एग्जांपल भी लिखते जा रहा हूँ साथ में, कोई भी इवन नंबर, मान लो हमने 12 ले लिया है प्लस ऑड नंबर इसमें हम 7 ले लेते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 9, यानी ये आपका इवन है, ये ऑड है, और रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, ऑड। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट क्या होता है, इवन प्लस इवन, ये रिजल्ट भी क्या होता है, इवन। नेक्स्ट ऑड प्लस ऑड, रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, इवन, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल कंसीडर, कोई भी एग्जांपल कंसीडर करके देख लीजिए, 3 + 7 = 10, दिस इज ऑड, दिस इज ऑड एंड दैट इज इवन, ओके। तो आप में से ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे आपको फॉर्म दी हुई 6q+1, तो हम मान लेते हैं ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने ए को कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है, हमारी इक्वली डिवीजन लेमा की जो इक्वेशन होती है a = bq + r, वेयर r is greater than equals to 0 and less than b। तो अगर हम इस इक्वेशन को दिए हुए टर्म से कंसीडर करते हैं कि ये भी टर्म्स हैं आपके, कोई ना कोई इनका डिविडेंड भी होगा, तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखो q और प्लस 1, यानी रिमाइंडर जो फर्स्ट, अगर इससे कंपेयर करते हैं तो r is equals to 1, r equals to 2, r equals to 5 एंड b की जगह क्या आ जाएगा आपका 6, 6 एंड 6, यानी b की जगह आपका हमेशा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग और रिमाइंडर क्या होता है, जीरो, रिमाइंडर जो आर होता है आपका वो जीरो से बड़ा होता है और उसके इक्वल होता है, और बी से हमेशा क्या होता है, छोटा। तो इन केस अगर हम बी 6 कंसीडर करते हैं, जो कि कंपेयर करने पर आपको हमेशा क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा, तो ये कंडीशन क्या बनेगी, तो आर हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर और लेस देन इक्वल्स टू 6, यानी रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 6 से आपका छोटा होगा, लेकिन 0 से 0 के या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। तो अगर हम यहाँ पे समझते हैं कि r की वैल्यू क्या हो सकती है, मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि जो रिमाइंडर होता है कभी भी डिवाइजर से यानी b से बड़ा नहीं हो सकता, उसके इक्वल भी नहीं हो सकता है, ठीक है, हमेशा उससे क्या होगा, छोटा। तो हमारे पास जो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी आई है वो क्या आई है, हम 0 भी कंसिडर कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, हम 5 तक जा सकते, 6 को नहीं लेंगे, क्योंकि 6 को अगर हम लेंगे तो b के इक्वल हो जाएगा। तो r इक्वल्स टू क्या होगा आपका, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यही पॉसिबिलिटी रखते हुए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन का आपका क्या होगा,
a plus 2, मैं a को, a तो कॉमन टर्म है आपका, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सारी सिर्फ एल एच एस लिख रहा हूँ, सॉरी आर एच एस लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो b इज वॉट 6, q प्लस पहला क्या है आपका 0, तो ये क्या बनेगा आपका 6q, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 6q प्लस हो जाएगा आपका 1 और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, यानी जो पॉसिबल रिमाइंडर हमारे थे वो क्या थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन सबको हमने कंसीडर किया है किस तरीके से, 6q प्लस 0 यानी 6q आ जाएगा, उसके बाद 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, ये पॉसिबल रिमाइंडर है हमारे पास, इससे ज़्यादा और रिमाइंडर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, अब मैंने अभी अभी आपको कंसेप्ट समझाया था कि अगर हम जब किसी इवन नंबर में कोई ऑड नंबर ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, ऑड आता है, तो हमारे पास ये पॉसिबल रिजल्ट है। अगर हम 6q में कोई भी एक क्यू की जगह पॉजिटिव इंटीजर कोई भी कंसिडर करेंगे, तो क्यू की जगह अगर हम 1 लेते हैं तो 6 × 1 यानी कितना हो जाएगा 6, 6 × 2 यानी 12, 6 × 3 यानी 18, 6 × 4 यानी 24, यानी जितने भी रिजल्ट आएंगे आपको हमेशा क्या आएंगे, इवन आएंगे। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं ये वाला 6q प्लस 2, इसमें क्या होगा अगर हम 1 लेते हैं तो 6 × 1 = 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 6 × 2 यानी 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, तो ये भी इवन है और ये भी इवन, तो रिजल्ट भी हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। इन केस अगर हम 4 वाला कंसीडर करते हैं तो ये तो रिजल्ट आपका इवन आना ही आना, हम क्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी कंसीडर करें, लेकिन अगर उसमें हम इवन में इवन ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट भी क्या आएगा, इवन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 6q कंसीडर नहीं कर सकते हैं, हम 6q प्लस 2 कंसीडर नहीं कर सकते हैं, हम 6q प्लस 4 कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऑड नंबर के लिए हमारे पास रिजल्ट बचा क्या, क्या क्या बचा है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, दैट मीन्स ये नंबर अब हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म होती है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में ही हो सकती है, इसके अलावा किसी दूसरी फॉर्म में नहीं हो सकती। मैंने आपको समझा दिया 6q प्लस 2 क्यों नहीं हो सकता है, 6q प्लस 4 क्यों नहीं हो सकता है और 6q क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके रिजल्ट जो आएंगे वो क्या आएंगे, इवन, और इसके रिजल्ट जो आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे, ऑड, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में आपको समझाया भी था, ठीक है। तो ये आपका हुआ फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 एंड द थर्ड क्वेश्चन इज नॉर्मल SCF क्वेश्चन, आप दो नंबर जो दिए गए उनका SCF निकाल लीजिएगा, तो जो SCF आएगा वही आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा, ठीक है। उसमें ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं बोली गई है, तो आप उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यूज इक्विलेट डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m 3m + 1 फॉर सम इंटीजर्स m, ठीक है। मतलब इसमें ये बोला गया है कि इक्विलेट डिवीजन लेमा के थ्रू हमें ये शो करना है कि किसी भी नंबर की जो स्क्वायर की, यानी पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसकी जो स्क्वायर की फॉर्म होती है वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही होती है, ठीक है। तो अगर हमें इन टर्म्स को 3m और 3m प्लस 1 यानी जो इसमें आपकी अल्फाबेटिकल वैल्यू वो m है, अगर m के टर्म्स में दिखाना है तो यहाँ पे हमें किसी और टर्म को, किसी और अल्फाबेटिकल टर्म्स को मानना होगा, उसके बाद हम उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, m की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं सॉल्यूशन में x be any पॉजिटिव इंटीजर, x कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हमें दिखाना है इज एंड स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 3q एंड 3q प्लस 1। मैंने m की जगह भी दूसरा टर्म जो मानना था वो क्या मान लिया है, q मान लिया, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय इक्विलेट डिवीजन लेमा, तो इक्वेशन ऑफ इक्विलेट डिवीजन लेमा इज व्हाट, a = bq + r वेयर r इज व्हाट, r is greater than equals to 0 and less than b,
okay. So now the compare this equation from the terms 3m and 3m plus 1. So what is b? B is equal to kya milega aapko? 3. Okay. So equation aapki kya banegi? B aapko mila hai 3. So ab r ki condition kya banegi? R is greater than equals to 0 and less than kya ho jayega? 3. Less than 3 kyun hoga? Kyunki b ki value jo hame compare karne par mili hai, wo kya mili hai? 3. तो अगर b 3 है तो r की पॉसिबिलिटी क्या हुई है आपकी 0 1 2 हमारे पास सिर्फ तीन पॉसिबिलिटी आई हैं r के लिए वो क्या आई है 0 1 और 2 अब यहां पे देखिएगा जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसमें कुछ केसेस के थ्रू या कुछ स्टेप के थ्रू हम लोग दिखा देते हैं ठीक है एक ने डिवीजन लेमा भी लिखा है तो हमें एक स्टेप भी दिखा देते हैं स्टेप के थ्रू भी कर सकते हैं तो फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं या फर्स्ट केस मान लेते हैं तो इसमें हमने माना x be any पॉजिटिव इंटीजर तो x equals to क्या मान लेते हैं हम 3 q फर्स्ट हम लोगों ने क्या माना था 3q ठीक है अब 3q जो हम लोगों ने माना था अब वो हमसे ये क्या कह रहा है कि इसका हमें स्क्वायर करना है कंडीशन दी हुई है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर तो अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर अब इसको हमें दिखाना किस फॉर्म में हमें दिखाना है किसका फर्स्ट वाला दिखाना है 3m की फॉर्म में दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं 3 into 3q स्क्वायर 3 into 3q स्क्वायर तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3m वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर यहां पे m क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर तो हमने स्क्वायर करने के बाद जो टर्म्स हमें मिले उसको फैक्टराइज कर दिया हमने और 3 और उसमें से जो भी रेस्ट ऑफ टर्म बचा था उसकी जगह क्या लिख दिया m और यहां पे शो कर दिया है कि जो m होगा वो 3q स्क्वायर होगा तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन बन गई सेकंड कंडीशन हम लोग कर सकते हैं सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी x इक्वल्स टू 3q प्लस 1 तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस का हो जाएगा आपका 6q प्लस 1 तो x स्क्वायर इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां पे हम लोग इन दो टर्म्स में से 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस का 2q और प्लस क्या आ जाएगा 1 तो इसको हमें m की फॉर्म में लिखना है तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1 ये आपका क्या हो गया 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई 3m ये आपकी सेकंड कंडीशन होगी 3m प्लस 1 तो इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं दैट बाय द डिवीजन इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म या तो वो इस फॉर्म में होगा या तो वो इस फॉर्म में होगा ओके ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज का